नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से अगर हम ऑनलाइन कहीं पर अगर पैसा जो है पे कर रहे हैं तो पैसा जो है पे नहीं हो रहा है। अगर हम रिचार्ज कर रहे हैं तो बार बार रिचार्ज जो है फेल्ड हो जा रहा है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहां पर जो है बार बार ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो जा रहा है, हमारे अकाउंट से जो है पैसा नहीं कट रहा है। लेकिन अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो को जो है ध्यान से देखना होगा। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड में हो सकता है कि आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है बंद किया गया हो, इसी की वजह से जो है आपका ऑनलाइन जो भी पैसा कटवा रहे हैं अपने एटीएम कार्ड से तो पैसा जो है कट नहीं रहा है, बार बार जो है फेल्ड हो जा रहा है। तो आपको अपने एटीएम कार्ड में जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है चालू करना होगा, ई कॉम सर्विस जो है आपको चालू करना होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं? मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। इससे मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जो है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है अपने एटीएम कार्ड का जो है आसानी से चालू कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बारमा टेक। चैनल पर नया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है चालू करने के लिए एटीएम कार्ड का, तो आप लोग सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जो है लॉगिन होना होगा। तो कैसे रजिस्टर करना है, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया गया है। जब आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है माई कार्ड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। जो भी आपके अकाउंट में अभी कार्ड लिंक होंगे, एक्टिव होंगे, वही कार्ड जो है आपको यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे में जो है चार को ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा होगा। तो आपको पहला वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन में जो है बताया जा रहा है सेट लिमिट एंड चैनल। यहाँ पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप अपने डेबिट कार्ड का लिमिट भी जो है सेट कर सकते हैं और चैनल भी जो है आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डोमेस्टिक जो है चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को जो है तीन नंबर पर जो है ई कॉमर्स का ऑप्शन जो है दिया गया है। अगर आप में ये ऑफ होगा तो आप लोग यहाँ से जो है ऑन कर लीजिएगा। ऑन कर देने के बाद आप लोग को यहाँ से लिमिट भी अगर सेट करना चाहते हैं कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो इतना पैसा जो है हमारे अकाउंट से जो है कटना चाहिए इस कार्ड से, तो वो भी आप लिमिट जो है यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जो है सेव चेंज वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब इसके बाद आप आसानी से अपने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं। अब आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं आने वाला है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है एक नीचे हमें प्यारा सा कमेंट करके जो है बता सकते हैं।